लोकसभा चुनाव के घमासान में बीजेपी जल्दी ही अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। आज सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक होगी। 27 सदस्यों वाली समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संयोजक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सह संयोजक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। 2019 में भी राजनाथ सिंह को ही बीजेपी घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया था। एक ओर आज बीजेपी घोषणा पत्र पर मंथन करेगी तो दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवारों पर आज कांग्रेस सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को हुई बैठक में किशनगंज सीट से मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर पर मुहर लग चुकी है, जबकि भागलपुर सीट पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन की टेंशन बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्णिया का मैदान आरजेडी को दे दिया है और आरजेडी ने वहां से बीमा भारती को उतारा है। इधर पूर्णिया से दावेदारी ठोक रहे पप्पू यादव के तेवर और तल्ख हो गए हैं। जनता को तय करने देंगे क्या होगा। 2 तारीख को प्रस्तावित नामांकन का डेट लगभग फाइनल।